नमस्कार, हमारे इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट एपिसोड में हमने आपके साथ बात की थी कि किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान निकोबार के आइलैंड्स पर तिरंगा लहराया था। ये बात इसलिए भी हुई थी क्योंकि जो बयान आए थे कि किसी के घर का कुत्ता भी मरा है क्या, तो हमने ये कोशिश की थी कि सभी लोगों ने मिलकर आजादी पाई है ये बताने की। और ये सच है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी को आजादी का श्रेय नहीं दिया जा सकता या कोई ले सकता है, सभी ने मिलकर उसका प्रयास किया है। तो आज हम आपको ये बताना चाहेंगे, आपके साथ ये चर्चा करना चाहेंगे कि कैसे दोनों ग्रुप्स ने अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उन्होंने ये दोनों ग्रुप के साथ किस तरह से अलग अलग व्यवहार किया, यही बताने की कोशिश हम आज करेंगे। दो ग्रुप्स की बात करनी है, मतलब लड़ाई जो थी हमारी आजादी की वो दो ग्रुप्स लड़ रहे थे। एक तो था एक्सट्रीमिस्ट और दूसरा पेसिमिस्ट, जो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे थे। तो ये दोनों ग्रुप की तरफ जो अंग्रेजों का रवैया रहा वो डिफरेंट रहा। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि ब्रिटिश जो है गुलामी का जो उनका राज, हम गुलाम थे, 200 साल चला लगभग, तो एक महावृक्ष जैसा बन गया था गुलामी का और उसकी जड़ें काफ़ी डीप चली गई थी, हर तरफ बिखर गई थी। उसको काटना था, उस महावृक्ष को जो गुलामी का था उसको काटना था या उसको उखाड़ फेंकना था। तो किसी के मन में ये आया, चलो मैं प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले वासुदेव बळवंत फड़के जी आए और उन्होंने अपने तरीके से उस जो रूट है उसको काटने की शुरुआत की। वो अपना हथियार उनके पास था, अपने विचार थे, उससे वो काट रहे थे। फिर कोई वहाँ पे और आया और उन्होंने देखा कि ये कौन कुछ काट रहा है, क्या काट रहे हो, तो उन्होंने बताया मैं तो गुलामी के जड़े काट रहा हूँ। तो उन्होंने बोला जो आया हुआ कि मैं भी प्रयास करता हूँ मेरी तरीके से, और उन्होंने अपने हथियार अपने विचारों से उस जड़ों को काटना शुरू किया। बताता तो पे है। फिर और कोई आया, रानी लक्ष्मीबाई आई, उन्होंने अपने तरीके से उसको काटना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो 1857 का समर बना और पूरे देश में फैला। अंग्रेजों ने 1857 का जो स्वतंत्र समर था उसको कुचलना वो हमको मालूम है, लेकिन वो जो क्रांति की चिंगारी थी, जो ज्वाला मन में भड़क उठी थी, वो नहीं बुझ पाई थी। फिर आगे काफ़ी सारे लोगों ने प्रयास किया और हमारी आज़ादी की लड़ाई चालू रही। लोकमान्य तिलक आए, आगरकर आए, गोखले जी आए, सभी ने उसमें अपना अपना योगदान दिया। सावरकर जी थे। और फिर बाद में अचानक से 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए और फिर उन्होंने अपने तरीके से लड़ाई शुरू की, जो गुलामी की जड़ें हैं उसको काटना शुरू किया। उसके बाद फिर नेताजी सुभाष चंद्र आए, चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, बहुत सारे लोग थे। और फिर सभी ने जब ये महावृक्ष जो बन गया था गुलामी का उसको काटना शुरू किया और आखिर में 1947 में ये महावृक्ष जो है गुलामी का उसको गिरा दिया। तो सभी ने प्रयास किया है, ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं था कि कोई एक व्यक्ति आया और उसने काम किया और हमें आज़ादी मिल गई तुरंत, नहीं, ये तो काफ़ी सालों से चलती आ रही है एक प्रक्रिया थी और 1947 में जाके हमको सक्सेस मिली थी। देखिए, हमारे इतिहास के बुक्स में या टेक्स्ट बुक्स में हमेशा हमको ये पढ़ाया गया कि कैसे एक पार्टी की वजह से या कोई कुछ नेताओं की वजह से हमें आज़ादी प्राप्त हुई है, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि बाकी जो लोग थे, पर्टिकुलरली क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किए। और इसीलिए अभी मैं आपके साथ जो बात करने जा रही हूँ वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सभी का योगदान है, हमको किसी को भूलना नहीं चाहिए। तो क्रांतिकारियों का जो गुट था, जो ग्रुप था, उसको कैसे ब्रिटिश ट्रीट करते थे और जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे उसको किस तरह से ट्रीट करते थे, ये बताने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो अगर भगत सिंह का एग्जाम्पल लेते हैं, भगत सिंह को
1929 में सेंट्रल जेल जो है रावलपिंडी के पास वहां रखा गया था। फिर उनके ऊपर जो कार्रवाई चल रही थी, जो केस में वो उनको गिरफ्तार किया था ब्रिटिश सरकार ने, उनके साथ सुखदेव थे, राजगुरु थे और काफी सारे क्रांतिकारी भी थे। भगत सिंह जब कारावास में थे तब उन्होंने देखा कि वहां पे जो मूलभूत अधिकार कैदियों को देना चाहिए या राजकीय कैदियों को देना चाहिए वो भी ब्रिटिश वहां पे नहीं दे रहे थे। खाना इतना गंदा दिया जाता था, गंदा पानी होता था, गंदे वातावरण में उनको रखा जाता था, कपड़े भी नहीं मिलते थे पहनने के लिए जल्दी। फिर ये तो खाना ही नहीं मिल रहा था अच्छा, तो न्यूज़पेपर नहीं मिलता था, बुक्स नहीं मिलते थे पढ़ने के लिए। तो ये एक दमनकारी जो प्रोसेस वहाँ जेल में थी वो भगत सिंह ने देखी और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। और उन्होंने जेल में अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल शुरू की और उस दौरान भी उनकी भूख हड़ताल और उनके साथियों की भूख हड़ताल तोड़ने की कोशिश ब्रिटिश वहाँ कर रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, फिर भी वो टूटे नहीं। आपको आश्चर्य होगा भगत सिंह ने लगभग 116 दिन भूख हड़ताल की थी, उसके बाद जाके फिर अंग्रेज सरकार मानी थी। तो ये एक एग्जाम्पल है भगत सिंह जी का, जिन्होंने जब ब्रिटिश ने उनको जेल में रखा तो कैसे उनके ऊपर अत्याचार हुए और उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी अपने हक के लिए भी और देश के लिए भी। ये तो एग्जाम्पल हुआ भगत सिंह का। अगर उसके सामने हम किसी और नेता का एग्जाम्पल लेते हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लड़ रहे थे, तो गांधी जी का लेते हैं। गांधी जी लगभग 13 बार कारावास में गए थे और जब भी वो कारावास में रहते थे तो उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था, मतलब इन द सेंस वो पॉलिटिकल प्रिजनर करके उनको ट्रीटमेंट मिलती थी। जितनी यातनाएं क्रांतिकारी जेल में सहते थे वैसी कोई भी यातना गांधी जी ने कभी झेली नहीं। उनको सब कुछ मिलता था, बुक्स, पेन, पेपर, और इसलिए वो जेल में जब थे तब लिखते थे, लेटर्स लिखते थे दुनिया भर के लोगों को, उन्होंने पत्रों द्वारा जो है वो संवाद किया है। इतना ही नहीं, 1932 में जब वो जेल में थे अरवड़ा प्रिजन में, तब उन्होंने वो बुक लिखी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो ये बताता है कि उनको सारी सुविधाएं मिलती थी। गांधी जी ने भी काफी बार फास्टिंग की है, जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि कितनी बार गांधी जी ने फास्टिंग की, तो 18 बार लगभग गांधी जी जो है वो फास्टिंग पे थे और मैक्सिमम उन्होंने 21 डेज की फास्टिंग रखी थी, कभी 7 दिन कभी 3 दिन इस तरह से करते हुए 21 डेज मैक्सिमम उनकी फास्टिंग रही है। तो कंपेयर करिए, भगत सिंह जो है 116 दिन भूख हड़ताल पर थे, तो और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गांधी जी ने मैक्सिमम 21 डेज जो है वो फास्टिंग की है। एक बार गांधी जी को पूना के पास जो आगा खान पैलेस है वहाँ पे भी रखा गया था और उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा थी, उनके जो सेक्रेटरी महादेव भाई देसाई भी थे, तो वहाँ पे भी वो एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर रहे हैं। तो अब आगा खान पैलेस हम सबको मालूम है, नाम ही पैलेस है। तो ये एग्जाम्पल गांधी जी का है जहाँ पे वो प्रिजन में रहे लेकिन जो अत्याचार क्रांतिकारियों के ऊपर होते थे उस तरह का कुछ भी गांधी जी के ऊपर अत्याचार नहीं हुए हैं। तो ये डिफरेंस इसलिए मैं बता रही हूँ कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफरेंस रखती थी ट्रीटमेंट में। जैसे कि हमने बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्रांतिकारियों के ऊपर काफी अत्याचार करते थे, उनको नए नए तरीके से सजा दी जाती थी, टॉर्चर किया जाता था। तो और उसमें से भी और एक भयानक जो पिक्चर आता है वो है सजा काला पानी, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां पे सेलुलर जेल जो बनाया गया वो खास तौर पर इसीलिए बनाया गया था ब्रिटिश द्वारा कि भारतीय कैदियों को या जो स्वतंत्रता सैनिक थे उनको वहां रखा जाता था, उनके ऊपर अत्याचार हुआ किया जाता था। काफी सारे क्रांतिकारी वहां पर थे क्योंकि वो प्लेस भारत से काफी दूर था, मेनलैंड हमारी जो है, तो
जल्दी से किसी के साथ संपर्क भी नहीं होता था। तो वहां सेल्युलर जेल में जो कैदी होते थे उनके ऊपर किस तरह के अत्याचार होते थे हमने पढ़े हैं, उसके ऊपर काफी मूवीज भी बनी है। लेकिन फिर भी खाने के लिए बहुत ही गंदा खाना, पीने के लिए गंदा पानी, नहाने को पानी नहीं मिलता था, बंद कोठरी में रखा जाता था, काम किया करने के लिए कहा जाता था, फिर कोलू की बैल की तरह घुमाया करते थे वो, जितना तेल है उतना अगर नहीं निकला है तो कोड़े बरसाए जाते थे, कड़ी धूप में 6-6 घंटे खड़ा कर दिया जाता था, पीने का पानी मिलता तो था लेकिन बहुत ही लिमिटेड मिलता था। फिर बाद में जो है अगर किसी ने विरोध किया तो उसको तोफ के ऊपर लटका कर उड़ाया जाता था। इस तरह के काफी अत्याचार होते थे। और जो प्रमुख क्रांतिकारी वहां पर थे, जैसे बाबा राव सावरकर थे, भाई परमानंद जी थे, देन महावीर सिंह जी थे, और फिर बाद में हमारा वीर सावरकर भी थे, जिन्होंने 11 साल सेलुलर जेल में इस तरह की यातनाएं सहन की। उनको 50 साल लाइफ इम्प्रिजमेंट, जिसको बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो 50 साल का था वो दिया गया था। तो सावरकर ने जितनी यातनाएं सहन की है वो उन्होंने अपने बुक में लिखी हुई है कि किस तरह से उनको ये ब्रिटिश जो है वो टॉर्चर करते थे। उन्होंने भी कोड़े खाए, कोलू की बैल की तरह काम किया, खाना भी इतना गंदा वो भी उन्होंने खाया। इतनी कठिन परिस्थिति होती थी कि काफ़ी सारे कैदी वहाँ पे सुसाइड करते थे। तो ये मूलभूत अधिकार भी जब इन कैदियों को नहीं मिलते थे तो पेन, कागज, बुक्स ये कहाँ से मिलता। इसके बावजूद जो छोटी सी अपनी रूम थी सावरकर की, वहाँ पे वो दीवारें जो थी वही उनके लिए कागज बन गई थी। तो वो कोयले से या खील से उन दीवारों के ऊपर लिखते थे, लिखने के बाद वो सारा याद कर लेते थे, और बाद में जब वो पोच कर फिर से नया लिखते थे। इस तरह से उन्होंने अपना जो लेखन कार्य जो है वहाँ पे किया, सारा याद रखा। और 11 साल के बाद सावरकर जी जब बाहर आए सेलुलर जेल के, तब उन्होंने फिर से वो याद करके लिखा, और बाद में उनका एक महाकाव्य प्रसिद्ध है जो कमला नाम का। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको ट्रीट किया जाता था। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो नकारा ही नहीं जा सकता, और ये सच हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कैसे सावरकर और बाकी क्रांतिकारियों को वहाँ पे टॉर्चर किया गया सेल्युलर जेल में। तो सावरकर जी का एग्जाम्पल हमने देखा कि जो उन्होंने संघर्ष किया वहाँ पे सेल्युलर जेल में, और जो अत्याचार उनके ऊपर हुए वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। उनके अपोजिट में अगर कोई एग्जाम्पल जो हाई प्रोफाइल नेता थे, पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी से, तो अगर उनका एग्जाम्पल लेते हैं तो पंडित नेहरू का लेते हैं सपोज। तो नेहरू जी जो आंदोलन कर रहे थे उस दौरान शायद 12-13 बार कारावास में गए हैं, और जब भी उनको कारावास में रखा जाता था ऑब्वियसली एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर ही रहे हैं वो। सारी सुविधाएं उनको मिलती थी, इन द सेंस बेसिक सुविधाएं तो थी ही थी, खाने के लिए मिलता था, सब कुछ मिलता था, एक बेड होता था सोने के लिए, लिखने के लिए टेबल चेयर सब कुछ होता था। और नेहरू जी गार्डनिंग करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे और बुक्स भी लिखते थे। अहमदनगर का जो फोर्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिन नेहरू जी रहे, और वहाँ पे ही उन्होंने फिर वो वेरी फेमस बुक जो है उनकी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वहीं लिखी गई है। तो ये सब दर्शाता है कि जो यातनाएं क्रांतिकारी झेल रहे थे वैसी यातनाएं किसी ने नहीं झेली इस तरफ से। जब हम पढ़ रहे थे ये सब, तब एक बात और पता चली कि नाभा जो एक जगह है, प्रिंसली स्टेट था, वहाँ पे नेहरू जी और उनके जो साथी है उनको अरेस्ट करके रखा था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू जी को 2 साल की सजा सुनाई थी। उस दौरान जो है जब वो वहाँ कारावास में थे तो उनके पिताजी नेहरू जी के, मोतीलाल जी नेहरू जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, उन्होंने काफ़ी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि नेहरू जी जल्दी से कारावास से बाहर निकल कर आए, और 12 दिन के बाद उनको छोड़ दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू जी को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने से पहले नेहरू जी से उन्होंने एक पेपर साइन करके लिया जिसके ऊपर नेहरू जी ने हस्ताक्षर किए थे। उसमें लिखा था
कि इसके बाद मैं नाभा प्रिंसली स्टेट में कभी भी प्रवेश नहीं करूंगा, और वो साइन करके पेपर नेहरू जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया और उनको बाद में छोड़ दिया गया था। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने भी तो ये लिख कर दिया कि एक तरह से कि यस आई अप्लाइज और मैं ये जो प्रिंसली स्टेट है मैं अभी कभी नहीं आऊंगा। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमेशा ये बताया जाता है कि सावरकर ने माफी मांगी, सावरकर ने माफी मांगी, बहुत कुछ बोला जाता है उनके बारे में। तो उस टाइम पे क्या परिस्थिति थी और किस तरह से लेटर्स लिखे गए थे, माफी मांगी या नहीं मांगी, ये तो एक रिसर्च का विषय है। लेकिन फिर भी जोर शोर से ये सुनाया जाता है हमको कि उन्होंने माफी मांगी। तो इससे संबंधित जब हम कुछ पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते एक बात अचानक से सामने आई कि जैसे मैंने बताया कि नेहरू जी ने भी वो लेटर लिख कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उस तरह से एक लेटर भी गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी थे तब उन्होंने लिख कर दिया था। और इसका जिक्र जो है द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में है, और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ये लेटर लिखा था गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश को, उसमें था दैट व्हाट वी कैन से अबाउट गांधी बेग्ड द ब्रिटिश टू अलाउ इंडियंस टू फाइट फॉर द ब्रिटिश ड्यूरिंग द बोर वॉर इन साउथ अफ्रीका। ही सॉट टू गिव इंडियंस द अपॉर्चुनिटी ऑफ थरो ट्रेनिंग ऑफ वॉर। तो ये लेटर उन्होंने लिखा था। तो हम कह सकते हैं कि अगर वो ये बोल रहे हैं कि इंडियंस को थरो ट्रेनिंग दिया जाए अबाउट द वॉरफेयर, तो जो हमें मालूम है कि वो अहिंसा में बिलीव करते थे, तो इस तरह का लेटर उन्होंने भी लिखा था। ये आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये बस एक सच सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेटर्स उस तरह जमाने में इस तरह से सभी ने लिखे हैं। हमें बस इतना ही सीखना है कि जो सच है वो दुनिया को बताओ, बच्चों को बताओ, क्योंकि वही इतिहास जो है वो बच्चे पढ़ेंगे और हमारे देश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और यही बात हम भी कर रहे हैं कि जो सच है वही सबको बताया जाए। तो आज हमने ये देखा और मैंने आपके साथ शेयर किया कि दोनों ग्रुप्स आज़ादी के लिए लड़े और दोनों ने कंबाइन करके एफर्ट्स करे तब जाके हमको आज़ादी मिली है। तो अगर हम ये कहें कि जैसे वो कहते हैं कि क्या आपके घर का कुत्ता भी मरा है, तो हम भी ये कह सकते हैं कि आपके पार्टी का कोई भी नेता ऐसा है जिसने क्रांतिकारियों के जैसी यातना सहन की है, ये प्रश्न तो मन में आता ज़रूर है। आप भी सोचिए और आप भी उसका उत्तर खोज कर निकालिए। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और बच्चों को ज़रूर बताइए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। बाय, थैंक यू।